वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गुजरात के द्वारका में। द्वारका का नाम किसने नहीं सुना दोस्तों? द्वारका धाम चार धामों में से एक धाम है द्वारका धाम। तो हम अभी पहुंच चुके हैं श्री द्वारका जी का मुख्य मंदिर। आप कर सकते हैं मुख्य मंदिर बेट द्वारका। योगेश भाई, ये बेट द्वारका है जो द्वारका से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक समुद्री टापू पर है। तो ये बेट द्वारका है और चलते हैं मंदिर की ओर, दर्शन करते हैं। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। चलते हैं हरीश भाई, काफ़ी भीड़ भाड़ है मंदिर में। भाई बहुत भीड़ है। जी हाँ, बहुत भीड़ है हरीश भाई। और बूट चंपल यहाँ उतारना, फोन कैमरा बैग पर सारी सामान अंदर ले जाना सख्त बना है। तो दुर्गेश भाई, जैसा कि मैं आपको बता दूँ दुर्गेश भाई, जी हाँ मना किया भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो दुर्गेश भाई, मैं कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से। जी हाँ बोलिए हरीश भाई। तो दुर्गेश भाई, कहना चाहूँगा मैं अपने दोस्तों से कि जैसा कि हम सुरक्षा और दृष्टि से हम पूरा ध्यान रखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल बैग अंदर ले जाना ही सख्त मना है। हरीश भाई, हम बाहर से कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को दिखाने की, सके उतना हम आपको दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं बाहर के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमको आपको दिखा दिया। वैसे तो मेन दरवाजा तो दुर्गेश भाई हमने दिखा दिया। हरीश भाई, मंदिर की तरफ जाने का रास्ता इधर है। बहुत भीड़ भाड़ है दुर्गेश भाई। बहुत भीड़। ये क्या लिखा हुआ है? ट्रस्ट है ये तो। यहाँ से हरीश भाई रास्ता बंद है अभी यहाँ पर। ये मुख्य दरवाजा इधर है, इधर से चेकिंग वेकिंग होगी दुर्गेश भाई। और वो वहाँ पे मोबाइल कैमरा सब वहाँ जमा करना पड़ेगा। तो दुर्गेश भाई दिखा दीजिए, बहुत भीड़ है। और यहाँ मुख्य मंदिर का गेट हमने आपको दिखा दिया। जी हाँ हरीश भाई, ये पुराना मंदिर है, 550 साल पुराना बेट द्वारका। और 550 क्या दुर्गेश भाई, मैं आपको बता दूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था बेट द्वारका। और उसका अपने टाइम में आ गए थे, तब वो रहते थे, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। अब तो मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है। तो बहुत सारी भीड़ है, मुख्य द्वार दोस्तों हमने आपको बता दिया। और चार धाम में से, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि द्वारका चार धामों में से एक धाम है। तो बहुत सारी भीड़ है यार। ये है मुख्य द्वार हरीश भाई, ये मुख्य द्वार है। यहाँ से पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सुविधा है। तो दुर्गेश भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप दोस्तों? हरीश भाई यही कहना चाहते हैं कि ये देखिए, यहाँ सुरक्षा है, सुरक्षा की दृष्टि से हम उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ रहते हैं। तो फिर जय बेट द्वारका। हमारा सफ़र अब यहीं तक आपके साथ है दोस्तों। तो हम अंदर जाते हैं हरीश भाई, हम दर्शन करने। सफ़र तो जारी रहेगा, फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देने का। जी हाँ, अभी हमारा सफ़र हरीश भाई यहीं तक है, फिर अंदर हम दर्शन करने निकल रहे हैं। हाँ, तो सफर दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, दर्शन करके हम वापस आएंगे और चलते हैं हमारे फिर अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय हो।